बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी जा रहा हूँ मदरसे और मेरे साथ अमीर और पीछे याकूब। रात के 4 बजे करीब आज हम इस रास्ते से जा रहे हैं क्योंकि ये रास्ता सूख गया है। वहाँ से जाना थोड़ा हमें दूर पड़ता था, तो रास्ता सिर्फ ये है, ये वाला जो मैंने आपको पहले भी बताया था। मुझे सबसे मुश्किल जो हिस्सा लगता है रास्ते का वो ये है। देखिए यहाँ पर अभी पानी खड़ा हो गया, देखिए जी, तो अभी हमें यहाँ से इसके ऊपर से जाना पड़ेगा। भाई के मोबाइल के प्रॉब्लम था तो इसी वजह से सेटिंग बना के दिया उनको, वहाँ पर बैठ गए थे। जैसे ही मदरसे से आए तो उन्होंने कॉल की, मतलब वो सामने ही उनका घर है, तो उनको बना के दिया सेटिंग वगैरह। माशाल्लाह जी, अभी देखें लाइट का काम जो शुरू हो गया इनका। ये वही बोर्ड है जो कि मस्जिद में हमने लगवाया था, लेकिन इनका कलर चेंज है, ये वाइट है बिल्कुल। अभी इनका काम माशाल्लाह बहुत ही अच्छा। और ये हमारे उस्ताद अशरफ जो कि एक मोहम्मद अशरफ डारो साहब, और ये मेरे चाचा, ये इनका सामान पड़ा हुआ है, तो ये सारे कुछ लगेंगे यहाँ से। हाँ ये तो सेम है यार, सेम वही कलर है जो कि मस्जिद में लगा हुआ था, वही है। ज़बरदस्त। अभी हमारे घर के लाइट जो है वो ऊपर से ही ख़राब हो गई है, तो यहाँ से हमने जोड़ कर दिया है। वहाँ से उस्ताद जो है वो जोड़ कर रहे हैं इसको, ये अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। आज ये मोटर का भी नया सिस्टम कर दिया है, और उसी के साथ ये बल्ब जो कि यहाँ पर किचन का है, ये जी किचन का, और यहाँ से भी कट कर दिया हमने। यहाँ पर दोपहर में तकरीबन दिन में गायें बंधे रहते हैं जानवर, तो इस टाइम पे वो खोल के घर ले जाते हैं, क्योंकि रात में बाहर अच्छी बात नहीं है, कोई चोर वोर आए उठा के ले जाए तो। और ये दिख गया था पीरू जो कि पड़ता भी है, मेरे पास ही पड़ता है। और ये देखें जी, ये अभी देखिए कहाँ से आ रहा है, वहाँ पर ये मछली मार रहा था। इसके दो भाई जो हैं वो पहले से ही वहाँ पर हैं, तीसरा ये, और वो देखो पता नहीं कौन छुप रहा है हमें देख के। वो सामने जी जो होल्डर आपको नज़र आ रहे हैं, एक तो वो लगा हुआ है, एक ये, तो इससे हमें फ़ायदा बहुत बड़ा होगा। फ़ायदा ये होगा कभी रात में अगर आना पड़े तो ऑलरेडी बल्ब जो है वो हम लगा देंगे, कल परसों लगा दूँगा। आज तो खैर मैंने अपने किचन का जो बल्ब वो लगा दिया था, और चाचू के घर का भी काम चल रहा है, तो इसी वजह से आज का पूरा दिन मेरा ऐसे ही गया। कभी गेटअप वगैरह चेंज किया, नहाया। अभी शाम के वक्त तो वो देखें जी, वो हमारे गांव का है, वो अभी घूम रहा है ऐसे ही, बूढ़ा है, अल्लाह करे पूरा भरजू हो जाए। सूरज मुकम्मल, अभी सिर्फ थोड़ा ही बाकी बचा होगा, बाकी तो मुकम्मल ढल चुका है, तो अभी ग़ुरूब हो चुका है। तो अभी मुझे जाना भी है मदरसे, और नमाज में भी जाना है। पानी जो है वो भाई ने बंद कर दिया था, तो उसी वजह से पानी ज़्यादा निकला नहीं, जितना भी निकला वही निकला। कल मैं जब असर के टाइम पे जब मैं यहाँ आया था तो पानी मुकम्मल जा रहा था, लेकिन आज भाई ने कल जो है वो फिर से बंद कर दिया था, ये देखें। और आगे भी चल के देखते हैं कि भाई ने कितना बंद कर दिया, वहाँ से बंद किया है या नहीं, सिर्फ यहाँ से बंद किया है। तो खैर पानी थोड़ा बहुत निकल तो गया है, और वहाँ जो इलाका था वो भी मुकम्मल साफ़ हो गया है। ये पता नहीं इसने क्या कर दिया है, पता नहीं किसने किया है यहाँ से, ये जी मुकम्मल। अभी वो दोनों बैठे हुए हैं, अभी मगरिब के टाइम पे वो मछलियाँ मार रहे हैं, पहले इनको भगाते हैं। हाँ वो बंद, भाई ने बंद कर दिया था, देखें इस तरह उसने बंद कर दिया। क्या कर रहे हो दोनों भाई यहाँ पर?
और तीसरा शैतान कहाँ भाग गया वो? हाँ मुनीर, वो तीसरा किधर भाग गया? हाँ हाँ उठाओ 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 उठाओ, हाँ ऐसे मारो मच्छी मारो, मैं भी देखता हूँ किस तरह तुम लोग मारते हो। इधर इस साइड से मारो, यहाँ पर मच्छी ज़्यादा है। अभी जी ये शाम को मछली मार रहे, अभी उसका तीसरा शैतान वो आ रहा है। अभी तक इन्होंने एक भी मछली नहीं मारी है। ये मेरे मामू के बेटे हैं तीनों, मेरे मामा मुस्तफ़ा है उसके बेटे हैं तीनों ये। तो अभी मैं आया था, अच्छा हुआ मैं आ गया, वरना ये यहीं पर बैठे रहते। मैं इनको लेके जाता हूँ घर, क्योंकि यहाँ पर रहना अच्छी बात नहीं है इस टाइम पे। हो सकता है कुछ हो जाए, जिन्नात वगैरह भी रात को जो है वो उनको खुला छोड़ दिया जाता है, फिर नुकसान पहुँचाएंगे। अभी थोड़ी देर के बाद फिर से मुझे जाना है, क्योंकि वो वहाँ पर पीरू भी खड़ा हुआ है, तो और पढ़ाई भी करनी है। अभी मगरिब की अजान भी होने वाली है, नमाज भी पढ़ना है। चलो भाई घर चलो। ये मारा है जी उसने। अभी मैं वापस घर जा रहा हूँ, वो तीनों वहीं पर हैं, पीछे से आ रहे हैं, आ जाएंगे इंशाल्लाह। मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि नमाज में टाइम अभी थोड़ा ही बचा है, सिर्फ थोड़ा ही बचा है। अभी जल्दी जल्दी से मुझे पहुँचना है। यहाँ से गुजरना बहुत ही बड़ा मुश्किल है। ये देखिए जी, खैर मैं गुजर गया। ये भाई ने फिर से कांटे लगा दिए हैं यहाँ पर। इनका काम अभी तक जो है वो चल रहा है, माशाल्लाह अच्छी बात है, शायद आज ही कंप्लीट हो जाए। उस्ताद ऐसे ना, आज हो जाएगा इंशाल्लाह। और उस्ताद अशरफ और चाचू मामद भी बहुत थके हुए हैं, इनका लाइट देखें जी काम ही नहीं कर रहा। मैं खुद तकरीबन 2 बजे से खड़ा था, मेरे भी टांग जो है वो काम करना छोड़ गए थे, अभी जाके दर्द जो है कम हुआ है। ये जी इनका ये काम हो गया कंप्लीट। ये देखो बल्ब भी लग गए, घर का काम सारा हो गया क्लियर। ये वो कंप्यूटर वाला, और यहाँ पर बल्ब लग रहा था जो कि अभी तक लगा नहीं है, सिर्फ 2 बल्ब ही लगे हैं, एक ये और एक ये। बाकी ये फ़ैन का जा रहा है, ऊपर से यहाँ पर फ़ैन लगेगा, और वो जो बाहर जा रहा है तो बाहर के जाने भी बल्ब लगाएंगे, और इधर से भी सारा काम कंप्लीट हो गया ऑलरेडी। इधर भी हो गया है सारा, यहाँ पर बोर्ड लगाना है और वहाँ पर सामने मेन स्विच। आज तकरीबन अभी 9:15 का टाइम है। कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, क्योंकि एंड मैंने नहीं किया था, तो आज 9:15 का टाइम है। सुबह को 8 बजे जो बारिश शुरू हो गई थी, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन अभी बारिश जो रुक गई है। खैर आज की वीडियो का करते हैं जी यहीं पर एंड। अभी जाऊंगा वीडियो एडिटिंग करना है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।